हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140481 04 9935637 64 93 65 24 24 4। आज हम लोग कैमोमिला मैट्रिकेरिया कैमोमिला मैट्रिकेरिया 30 या 200 के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल नंबर 9140481 04 9935637 64 93 65 24 24 4। आज हम लोग चार्ल्स कैमोमिला 30 या 200 के चार्ल्स जे हेम्पल, इसको होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के कैटनिप कहा करते थे, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकतर स्नायविक विकारों, विशेषकर बालकों में स्नायविक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी औषधि है जिसके प्रधान लक्षण रोगी के मस्तिष्क में उभरते हैं। इसकी रोगिणी का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा रहता है, वह बात बात में उसका मिजाज बिगड़ उठता है तथा लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत अप्रिय होता है। वह अपने स्वजनों और मित्रों से भी कटु और अप्रिय व्यवहार करने लगती। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी यह बार बार वैसी ही गलती करती है। अपने स्वभाव के दोष को भली प्रकार समझते हुए उसे इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। इसके हर उम्र में रोगी की मानसिक दशा लगभग इसी प्रकार रहती है। शिशु माइंड रोगी बोलकर अपने मनोभाव को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए कोई कारण न रहते हुए भी वह रोता चीखता है। ज्वर, अतिसार और दांत निकलने तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित होने पर लोग यह समझ जाते हैं कि बच्चा रोग के कष्ट के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसमें कैमोमिला 30 या 200 एकोनाइट 30 या 200 ब्रानिया 30 या 200 कोलोसिन 30 या 200 इग्निशिया 30 या 200 लाइकोपोडियम 30 या 200 इरिटेटिंग नेचर के लिए, नक्स वोमिका 200 30, स्टेफिस एग्रिया 30 या 200, कैमोमिला 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। बालक नाना प्रकार की चीज़ें मांगता है तथा चीज़ देने पर हाथ बढ़ाकर उसे ले लेता है और न देने पर धक्का देकर वह चीज़ फेंक देता है। दोबारा हाथ में देने पर वह फिर चीज़ को फेंक देता है। माता पिता यह नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा आखिर क्या चाहता है, मगर होम्योपैथिक चिकित्सक यह भली प्रकार समझ जाता है कि कैमोमिला 30 या 200 की एक खुराक से बालक की ये सब हरकतें बंद हो जाएंगी। किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री में उक्त प्रकार के लक्षण उभर आए तो चिकित्सक को उन्हें कैमोमिला 30 या 200 की खुराक देने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की बीमारियों में भी यह दवा बहुत कारगर सिद्ध होती है। क्रोध के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए मैटेरिया मेडिका में जिन दवाओं का उल्लेख किया गया है उनमें कैमोमिला प्रधान। क्रोध या क्रोध से उत्पन्न रोगों की अन्य दवाओं
की सूची में एकोनाइट 30 या 200, ब्रायनिया 30 या 200, कोलोसिन 30 या 200, इग्निशिया 30 या 200, लाइकोपोडियम 30 या 200, नक्स वोमिका 30 या 200, स्टेफिस एग्रिया 30 या 200 शामिल है। कैमोमिला दर्द की भी एक श्रेष्ठ दवा है, औषधि है। इसकी विशेषता यह है कि दर्द की तीव्रता उतनी नहीं होती जितनी रोगी अपने हाव भाव प्रकट करता है। प्रसव दर्द की अन्य दवाओं के लक्षणों में इससे भी अधिक तेज दर्द होने पर रोगिणी इतनी अधिक नहीं चीखती चिल्लाती है, पर कैमोमिला के दर्द में रोगी अथवा रोगिणी इतनी सचेत रहती है कि दर्द की तीव्रता को प्रकट करने के लिए बार बार कहती कि अब मैं सहन नहीं कर सकती। प्रसव वेदना में कई बार इसी प्रकार की अवस्था दृष्टिगोचर होती, जल्दी ही क्रोधित हो उठना, अशिष्ट व्यवहार करना इत्यादि लक्षण भी इसके साथ ही मौजूद रहते हैं। ऐसी अवस्था में कैमोमिला 200 पोटेंसी का प्रयोग करने पर रोगी तुरंत ही शांत हो जाता है और कोई शिकायत नहीं करता। एकोनाइट काफिया में भी बच्चे के पेट में बहुत दर्द होने पे बहुत अच्छा 30 या 200 दवा काम करती है। दर्द की यह तीव्र अनुभूति प्रसव वेदना में ही नहीं रहती, बल्कि स्नायु पीड़ा, दांत के दर्द इत्यादि में भी मैंने इसी प्रकार की अवस्था देखी है और हर बार कैमोमिला देने से रोगी को लाभ हुआ है। काफ़ी या नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में दर्द के प्रति अति संवेदनशीलता का यह लक्षण बहुधा दृष्टिगोचर होता। ऐसे लोगों को भी कैमोमिला दवा से बहुत लाभ होता है। दर्द प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ कैमोमिला का एक और लक्षण भी होता है, स्पर्श ज्ञानहीनता का। यह दर्द के साथ या फेर बदल के रूप में पाया जाता है। कैमोमिला के रोगी को पहले दर्द की अनुभूति होती है, फिर एक प्रकार की अवस्था उसे घेर लेती है। इस प्रकार की अवस्था जिसमें शरीर के अंग चेतनहीन से पड़ जाते हैं, वात रोग और पक्षाघात में भी ऐसी अवस्था प्रकट होती है। अवस्था निर्बस निर यह कैमोमिला का एक विशेष लक्षण है। कैमोमिला के दर्द में गर्म चीज़ों के प्रयोग से वृद्धि होती है, लेकिन ठंडी वस्तुओं के प्रयोग से उसमें कोई कमी नहीं आती है। जैसा कि पल्साटीला में बहुधा पल्साटीला 200 में होता है। कैमोमिला के रोगी को शीतलता सहन नहीं होती है, ठंड लगने से जो रोग पैदा होते हैं कैमोमिला उन सब में काम कर आती। मैंने एक ऐसे रोगी को इलाज किया था जो बात के तेज दर्द से ग्रस्त था। मैंने उसे एकोनाइट 30 या 200, ब्रायनिया 30 या 200, अस्टाक 30 या 200 आदि दवाएं दी, परंतु रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक और चिकित्सक ने दर्द के साथ अवश हो जाने के लक्षण को दृष्टि में रखकर कैमोमिला 30 या 200 का प्रयोग करने का परामर्श दिया और रोगी बहुत जल्दी रोग मुक्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।